कैसा रहा ये सफर आपका ये वाला? बहुत मजेदार सफर रहा, तुझे देखा शुरू से लेके हूँ तक, और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ पूरे हिंदुस्तान का कि मेरे को इतना सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा प्यार दिया, और मुझे उम्मीद है कि मैं शायद आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूँ और भी आगे उतरूँगा। ऐसे प्यार देते रहिए और पूरी कोशिश करूँगा कि जैसे आपने मुझे मौका दिया है इस मुकाम तक पहुँचने का, इससे आगे भी कुछ और ऐसा करेंगे। क्या क्या सीखने को मिला आपको इस प्रोग्राम में, राइज स्टार में? काफ़ी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि इससे पहले मैंने कहीं सीखा ही नहीं था, सीधा सिर्फ स्टेट ही किया था। वहाँ एक तो स्टेज का एक्सपीरियंस हो गया, माइक का पता चल गया कि माइक कैसे पकड़ना है, इससे पहले तो माइक नहीं पकड़ा था कभी हाथ में, और इतने ज़्यादा दर्शकों के आगे गाने का मौका मिला, इवन कि 130 करोड़ जनता के आगे लाइव गाना, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था, काफ़ी खुशी है इस बात की। जो पहला गाना आपने गाया कौन सा गाना था? तिलहारा रे। एक बार थोड़ा सुनाओ। पागल मनवा कैसे भाग रे, पागल मनवा ताबड़ दौड़ नाच लूं नाच लूं रे। और आखिरी गाना जो आपने वहाँ गाया है, आखिरी गाना स्टेज पे स्टेज सुल्तान का गाया था, सुल्तान का गाना ये मैंने खुद के लिए गाया था, और आप पूरे यूथ के लिए गाया, यंग जनरेशन के लिए गाया, उनके लिए गाया कि जो सोचते हैं कि यार ये नहीं हो सकता। इस गाने में बहुत इंस्पिरेशन छुपा हुआ, उसको सुनो प्लीज। सात आसमां चीरे फिर सात समंदर पीरे, फिर सात सुरों में कर दे ये ऐलान, हिम्मत है तो रोको रे, जरूरत है तो बांधो के, आज हथेली पे रख दी है जान, खून में तेरा मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। इस गाने को समझिए प्लीज।